हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल जीके इन हिंदी एंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एल्डस हक्सले द्वारा लिखा हुआ एक शॉर्ट एसे जिसका नाम है सेलेक्टेड स्नोबरीज, उसका हम हिंदी में समरी करेंगे। एल्डस हक्सले ने बहुत से ऐसे लिखे हैं जिनमें से सेलेक्टेड स्नोबरीज एक छोटा फेमस ऐसे है। फ्रेंड्स, स्नोब्स का लिटरली मीनिंग जो होता है वो है एक वल्गर पर्सन, यानी स्नोब का शाब्दिक अर्थ एक भद्दा आदमी होता है। फ्रेंड्स, एल्डस हक्सले ने कुछ स्नोबरीज जो मेंशन किए हैं उनके नाम हैं मॉडर्निटी स्नोबरी, यानी आधुनिकता की स्नोबरी, आर्ट स्नोबरी यानी कला की स्नोबरी, डिजीज स्नोबरी यानी बीमारी की स्नोबरी, बूज, ध्यान रखना फ्रेंड्स, बूज स्नोबरी जिसका हिंदी में अर्थ है बीमारी, सॉरी शराब की स्नोबरी यानी वाइन स्नोबरी। नंबर 5 पे आती है स्नोबरी ऑफ कल्चर यानी संस्कृति की स्नोबरी, स्नोबरी ऑफ फैमिली यानी परिवार की स्नोबरी, और 7वें नंबर पर आती है स्नोबरी ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी यानी परिवार अज्ञानता और मूर्खता की स्नोबरी। फ्रेंड्स, हक्सले के इस ऐसे का हम थोड़ा पहले परिचय देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सेलेक्टेड स्नोबरीज निबंध जो है वो ओल्डस हक्सले की पुस्तक जो है बुक है म्यूजिक एट नाइट, जो कि 1931 में आई थी, उससे लिया गया है ये ऐसे। इस ऐसे में हक्सले विभिन्न प्रकार के स्नोबरी की बारे में बताता है, जैसे संस्कृति की स्नोबरी, शराब पीने की स्नोबरी, आधुनिकता की स्नोबरी, कला की स्नोबरी यानी स्नोबरी ऑफ आर्ट के बारे में बताता है। सामाजिक अर्थ में सामान्यतः स्नोब उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका व्यवहार या जिसके विचार जो है वो सामाजिक स्थिति या धन से प्रभावित होते हैं। एल्डस हक्सले ने अनेक प्रकार के स्नोब्स के बारे में वर्णन किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी है, बता दी है, मैंने तो इसका थोड़ा टेक्स्ट भी काम में लेने की कोशिश की है, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, आप चाहें तो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सले कहता है कि स्नोबरीज अनेक प्रकार की होती है, स्नोबरीज घटती बढ़ती रहती है और उनके साम्राज्य यानी किंगडम जो होते हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं, यानी उनका पतन हो जाता है, कभी वापस निर्माण हो जाता है, ये सब ऐतिहासिक क्रम के अनुसार होता रहता है। एल्डस हक्सले कहता है कि 100 वर्ष पूर्व जो स्नोबरीज अच्छी मानी जाती थी वे अब पुरानी पड़ जाती है। फ्रेंड्स, चलिए हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इसका हिंदी में थोड़ा समरी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एल्डस हक्सले कहता है कि किसी न किसी प्रकार स्नोबरी प्राय प्रत्येक व्यक्ति में मिलती है, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के बारे में स्नोब है। संसार की अधिकतर जो चीज़ें होती है वो ऐसी हैं जिनके बारे में मनुष्य स्नोबरी की भावना रख सकता है, इसमें कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यानी एग्जांपल के लिए शायद कोई मनुष्य नहीं होगा जो कोड का स्नोब हो, प्राय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो घातक एवं शक्ल बिगाड़ देने वाली स्नोबरी के प्रति स्नोबरी की भावना रखता हो। आगे एल्डस हक्सले कहता है कि परंतु ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे जो बीमारियों के प्रति स्नोबरी की भावना रखते हैं, ऐसा विशेषकर ऐसी बीमारियों के विषय में होता है जो अमीरों की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में भी किड्स के यानी जॉन किड्स के समान मिट जाने में रोमांटिक भावना का आनंद प्राप्त करते हैं। बीमारी की स्नोबरी अनेक प्रकार की स्नोबरी में से केवल एक प्रकार है, जिसका कोई एक स्नोबरी का फैशन होता है किसी समय कोई अन्य स्नोबरी का। एल्डस हक्सले कहता है कि एक सेंचुरी यानी 100 वर्ष पूर्व जो स्नोबरी अच्छी मानी जाती थी वे अब फैशन में नहीं रही,
परिवार की स्नोबरी हर जगह कम होती जा रही है। संस्कृति की स्नोबरी अभी भी काफ़ी शक्तिशाली है। अज्ञानता और मूर्खता की जो स्नोबरी है वो असाधारण चीज़ है। अमेरिकन शराबबंदी के आंदोलन ने शराब पीने की स्नोबरी को जन्म दिया। इस स्नोबरी के हानिकारक प्रभाव सारे संसार में बहुत तेज गति के साथ फैल रहे हैं। आधुनिकता की स्नोबरी काफ़ी पुरानी है, परंतु आधुनिक काल में इसने असाधारण महत्व प्राप्त कर लिया है। अक्सले की मान्यता है कि आधुनिकता की स्नोबरी के इस असाधारण महत्व के कारण आर्थिक मशीन से उत्पादन उपभोग से अधिक होता है जा रहा है। उद्योगपति यह जानते हैं कि वे तभी अधिक से अधिक धनवान हो सकते हैं जब उपभोक्ता वस्तुओं को जल्दी जल्दी बदलें। अतः उत्पादक सदा ऐसी चीज़ों का उत्पादन करते हैं जो अधिक समय ना ठहरे, यानी बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएं। आधुनिकता यानी मॉडर्निटी का जो स्नोब वह व्यक्ति होता है जो अपनी चीज़ों को जल्दी जल्दी बदलता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वह सबसे ज़्यादा आधुनिक लगे, यानी मॉडर्न लगे। मॉडर्निटी की जो स्नोब है वो उद्योगपति का सर्वाधिक प्रिय मित्र होता है, क्योंकि उत्पादक उपभोक्ता की अपनी चीज़ों को जल्दी जल्दी बदलने की इच्छा के कारण सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए उत्पादकों के हित में है कि वे आधुनिकता की स्नोबरी को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें। उत्पादक ऐसा विज्ञापनों के माध्यम से करते हैं। समाचार पत्र विज्ञापन का श्रेष्ठ माध्यम बनकर उत्पादकों की सहायता करते हैं। आगे एल्डस अक्सले बताता है कि एक अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण स्नोबरी है, वो है स्नोबरी ऑफ आर्ट, यानी कला की स्नोबरी। हम में से अधिकतर लोग कला के स्नोब हैं। कला की स्नोबरी के दो प्रकार हैं, यानी दो किस्में हैं। पहली है प्लेटोनिक और सेकंड है अनप्लेटोनिक। प्लेटोनिक स्नोबरी के बारे में एल्डस अक्सले बताता है कि कला स्नोब कला में केवल रुचि लेते हैं, और जो अनप्लेटोनिक स्नोब होते हैं कला के, वो इससे आगे बढ़ते हैं, यानी कलात्मक वस्तुएं खरीदते भी हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। जबकि प्लेटोनिक स्नोब्स होते हैं वो सिर्फ प्रशंसा करते हैं, इनके खरीदने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। वो कला के प्रशंसा करने वाले ही होते हैं। जबकि अनप्लेटोनिक जो होते हैं वो कलात्मक वस्तुओं को खरीदने का काम करते हैं। प्लेटोनिक जो कला स्नोबरी मिश्रित होती है, इसके साथ ही ये संस्कृति स्नोबरी था प्रदर्शन स्नोबरी की एक उपशाखा भी है। कलाकृतियों को एकत्रित करना, संस्कृति के प्रतीकों को इकट्ठा करना, सांस्कृतिक जो सिंबल्स होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के सिंबल्स होते हैं, यह धन के जो सिंबल्स को एकत्रित भी करता है। क्योंकि कलाकृतियों का जो संकलन होता है सर्वाधिक प्रभावपूर्ण रूप में धन कला का प्रतीक होता है। अधिकतर कला स्नोब मृत व्यक्तियों की कृतियों का ही संकलन, यानी उनको स्टोर करके रखते हैं। पुराने मृत कलाकार की जो कृतियां होती हैं, यानी उनकी जो रचनाएं होती है, जीवित कलाकार की कृतियों की अपेक्षा, यानी उनकी रचनाओं की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होती है। आगे अक्सले कहता है कि अधिक पवित्र सांस्कृतिक होती है मर्द व्यक्तियों की कृतियाँ, यानी उनकी रचनाएं। कुछ स्नोब आधुनिकता के स्नोब भी होते हैं, यानी मॉडर्निटी के भी स्नोब होते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं है कि स्नोबरी कोई बुरी और हानिकारक चीज़ है। अक्सले कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्नोबरी हो वो बुरी हो या हानिकारक चीज़ हो। एक्चुअल में इसका महान सामाजिक महत्व है। स्नोबरी का जो मानवीय पहलू है वो क्रियाशीलता को बढ़ाता है, यानी आदमी को एक्टिव बनाता है। और स्नोबरी में अक्सले कहता है कि व्यक्ति को एक्टिव बनाने की, यानी उसको प्रवोक यानी उत्साहित एक्साइटमेंट बढ़ाने की पावर होती है स्नोबरी में। प्रत्येक स्नोबरी अपने मानने वालों
से कभी समाप्त न होने वाले अर्थात लगातार प्रयास करने की आशा रखती है। उदाहरण के लिए जो आधुनिकता का यानी मॉडर्निटी का जो स्नोब होगा आदि होगा, वो मॉडर्न बने रहने के लिए बहुत सारे प्रयास करता रहता है और कभी आराम कर ही नहीं सकता। आगे एक्सलर कहता है कि यदि हम क्रियाशीलता को यानी एक्टिवनेस को बढ़ावा देते हैं मानते हैं, यानी हमेशा एक्टिव बना रहना अच्छा मानते हैं, तो हमें सभी प्रकार की स्नोबरीज को अच्छा मानना चाहिए। यूजुअली हम कुछ क्रियाओं को अच्छा मानते हैं तथा कुछ क्रियाओं को बुरा मानते हैं। अक्सर कहता है कि सभी प्रकार की स्नोबरीज एक्टिव हमें एक्टिव रखने को और लगातार प्रयास करते रहने के लिए तैयार रखती है, अतः उन स्नोबरी को अच्छा मान लेंगे जो हमें सदा प्रेरणा देती रहती है, इंस्पायर करती रहती है और हमें सदा एक्टिव रखती है। सो फ्रेंड्स, ये थी एल्डस हक्सले द्वारा लिखी हुई सेलेक्टेड स्नोबरी ऐसे की हिंदी में समरी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जीके इन हिंदी एंड इंग्लिश, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, आगे भी मैं इंग्लिश लिटरेचर के नॉवल्स है, पोइम्स है, ऐसे हैं उनके समरी आपके लिए हिंदी में लाता रहूँगा। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके मेरे आने वाले आगे जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बदौलत ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।